अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट स्किल पॉडकास्ट स्टूडियो के साथ साइमा आसिफ। आज मेरे साथ आगे बढ़ो पाकिस्तान में हैं हमना बिनते शहजाद। एजुकेशनिस्ट हैं, ट्रेनर हैं, बहुत 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 टैलेंटेड लड़की आज मैं लेके आई हूँ आपसे मिलवाने के लिए। तो आए चले मिलते हैं हमना से। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम साइमा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंटिंग मी एज अ लड़की। नहीं यार कोई हर्ज नहीं, हम लड़कियां हैं, अभी हम लड़के हैं। चल अच्छा हमना, थोड़ा सा मेरे देखने वालों को थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मैंने बिल्कुल आपका इंट्रो इसलिए नहीं करवाया कि मैं चाहती हूँ कि हमना की जो इतनी ज़बरदस्त पर्सनालिटी है, हमना हमें खुद बताएं कि अभी क्या क्या करें। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ डॉक्टर हमना बिनते शहजाद। नाउ recently I have completed my PhD in Artificial Intelligence, and before that I am MPhil in the same domain and BS honors from Computer Science in Computer Sciences from Punjab University Old Campus. So I am working, अगर मैं अपनी job की बात करूँ तो working as an head of academics and trainings in UMT, and इसके अलावा I have running my own business with the name of Training Zone. Very nice, very nice. Education consultancy और corporate consultancy की ये मेरी एक छोटी सी firm है which is recognized in 10 countries. अच्छा हमना, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से आपने बताया कि you are PhD in artificial intelligence, तो I am as a very jahil person, I am the least informed person about IT. तो हमें तो IT के बारे में यही पता है ना, Chat GPT है या फिर AI के कोई tools हैं। मुझे थोड़ा सा बताएं कि what is AI exactly is? देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक एल्गोरिदम है। इसके अंदर बहुत सी डोमेन्स आती हैं आपकी, बेसिकली मशीन लर्निंग इसके अंदर आती है, इसके अंदर आपकी प्रोग्रामिंग के टूल्स आते हैं, आपकी डेटा साइंसेस जो है वो सारी की सारी इसमें आती है। AI में आती है। अब आपने बात की चैट जीपीटी की। चैट जीपीटी एआई को इस्तेमाल करते हुए एक टूल डिज़ाइन किया गया हुआ है जो बेसिकली हमारी इनपुट से हमें हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट देता है। एआई को जब डिज़ाइन किया गया था तो इसको फ्यूचर को देखते हुए डिज़ाइन किया गया था कि जिस तेज़ी से दुनिया आगे की तरफ जा रही है और लोगों के पास टाइम नहीं होगा, तो बेसिकली ये एक तो आपकी टाइम को रिड्यूस करवाता है, मिनिमम टाइम में आपको आपकी डिज़ायर्ड आउटपुट देता है, नंबर वन। नंबर टू, ये जो आपकी जो कॉस्ट आती है ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स को, अब उसको कट करता है। नंबर थ्री, जो कि कस्टमर की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट होती है, ये उसको आपकी ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट को फोकस करता है। अच्छा यहाँ पे लोग हमें कहते हैं कि शायद एआई के टूल्स को इस्तेमाल करते हुए आने वाले वक्तों में लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, और ये दैट इज़ द स्केरी पार्ट ऑफ दैट। नहीं, दिस इज़ नॉट स्केरी। आप ये देखो कि आप AI टूल यूज़र बन जाओ, आप AI टूल डेवलपर बन जाओ। अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है, जैसे कि आपकी कंपनी है नेक्स्ट स्किल्स, आप लोग करवा रहे हो, डिफरेंट कोर्सेज करवा रहे हो, एजुकेशन टेक में प्रोग्रामिंग के करवा रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग के करवा रहे हो, तो हम ये कोर्सेज लॉन्च कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के। अब एक बंदा कोरल ड्रॉ को या फोटोशॉप को इस्तेमाल करते हुए हम उसको एक पोस्टर डिज़ाइन करने के लिए देते हैं, एक ब्रोशर बनाने के लिए देते हैं, वो आपसे 2 दिन लेता है, 4 दिन लेता है, आप कॉस्ट भी उसको पे करते हो। अब वही कॉस्ट जो आपने उसको पे करनी है, आप उसको उससे थोड़ा सा काम कर दो, इसके अलावा आपका उसी से बनवाओ, लेकिन उसको कहो कि अपने आप को उस टूल पे ले जाए। हर बंदा वो टूल इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब आप देखें एआई में, अगर मेरी स्पेशलाइजेशन एजुकेशन के अंदर है, एजुकेशन एनालिसिस के अंदर है मेरा, तो मैं एजुकेशनल टूल्स पे बात करूँगी, बट आई डोंट नो हाउ टू यूज़ दैट टूल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड डिज़ाइनिंग, द ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाले, तो वो तो मैं नहीं करूँगी। अब ये जिसकी फील्ड है, अब लोगों को चाहिए कि वो अपने आप को एक अपग्रेड करें 1 लेवल, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बनाएगी। नाउ दिस इज़ अ टाइम, डायर नीड ऑफ अ टाइम कि दैट वी शुड सेट एंड वी शुड अपडेट आवर सेल्फ। हमें वो कोर्सेज करें, आपकी ऑर्गेनाइजेशन करवा रही है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और करवा रही हैं, आप वहाँ पर इनरोल हो। मैं तो वैसे प्रेफर करूँगी कि नेक्स्ट स्किल्स में ही जाएं। आपकी बात से ही 2 बातें निकलती हैं। एक तो ये कि टूल्स को यूज़ करने के लिए भी अल्टीमेटली इंसानों की ज़रूरत है। एग्जैक्ट ज़रूरत है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपने अगर इसको AI को यूज़ भी करना है, तो वो एक मेरे टीचर हैं वो बड़ी अच्छी बात करते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। एग्जैक्टली अगर आपको आपको पता है कि आपने क्या प्रॉम्प्ट डालना है, जिस तरह से हमना ने कहा कि मैंने एग्जैक्ट उसको वो चीज़ें बताई और उसने मुझे वही उसका रिप्लाई भी कर दिया। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है अगर किसी का, तो क्या उसको AI का फ़ायदा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। डिजिटल मार्केटिंग में वो जा सकता है, वो अपने एल्गोरिदम्स को सेट कर सकता है। इसके अलावा अब हमारे पास ऐसे टूल्स आ चुके हुए हैं कि जो कि आपने सिर्फ टेक्स्ट लिखना है या आपने सिर्फ अपनी वॉइस पेस्ट वो टेक्स्ट में लिखना है, वो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाकर भी दे सकता है, व्हिच कैन बी यूज्ड। मैं आपके साथ एक लिस्ट शेयर कर दूंगी जिसमें ये पीपीटी के भी मैंने सेलेक्ट किए हैं, मैं कुछ जिससे मैंने पीपीटी बनाई है, मैंने कोई रैंडम सर्च करके नहीं लिए, बट यस इसके ऊपर मेरी रिसर्च है कि कौन सा टूल किसके लिए इस्तेमाल हो सकता है। बिकॉज मैं आजकल, जैसे कि मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि मैं एक प्रोग्राम खुद भी लॉन्च कर रही हूँ, तो उसके लिए यस ये रिसर्च मैंने जरूर की हुई है कि कौन सा टूल अच्छा है, कितना पेड है, पेमेंट क्या है, कितनी आपको उसमें एफर्ट लगानी पड़ती है, बट प्रॉम्प्ट आपने देना है। अच्छा, अब ये आप देखें कि आप अगर घर बैठे हुए हैं, आप एक, मैं किसी को कोई स्पेसिफिकली नहीं कह रही, लेकिन अगर आप एक बीए पास खातून है, ठीक है, और आप घर बैठी नहीं है, आप सिर्फ अपने बच्चे पाल रही हैं, आपको एआई के बारे में कुछ नहीं पता, तो कोशिश करें कि थोड़ी सी खुद से भी रिसर्च करें। ऐसे लोग इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, इन लोगों की वीडियोज भी हैं, इनके इंटरव्यूज भी आते हैं, आप लोग थोड़ा सा अपने आप को खुद भी अप टू डेट करें अपने नॉलेज को, ताकि आपके बच्चे ये चीज़ सफ़र ना करें। लड़कियों के लिए और जो ख़ास तौर पे टीनेजर्स हैं हमारी बच्चियाँ, आप उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगी कि एआई में आना कितना फेवरेबल है नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए? देखो सायमा, आपने अभी बात की थी कि पढ़ी लिखी माँ का होना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल दूँ तो मैं इसका प्रोडक्ट कैसे, आई बिलोंग टू अ फैमिली, अगर मैं अपनी पैटर्नल फैमिली की बात करूँ तो मैं अपनी पैटर्नल फैमिली में पहली लड़की हूँ जो कि गई थी यूनिवर्सिटी में। मैं अपनी बात करूँ तो ठीक है, अगर अपनी में, मेरे से पहले मेरे, हाँ, लड़के गए हुए, मेरे फादर क्वालिफाइड है, जिसी के पढ़े हुए हैं। इसके अलावा मेरी मदर जो हैं वो लाहौर कॉलेज की पढ़ी हुई हैं, हाईएस्ट ग्रेजुएट डिग्री अपने वक्त की। लेकिन अगर मैं बाकी अपनी पैटर्नल साइड्स पे अपने आर्ट्स वगैरह के बारे में बात करूं तो कोई भी मैट्रिक कैफे से ऊपर नहीं है। और मेरी अम्मा भी अपने ख़ानदान की उन लड़कियों में से हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई, बाकी उस ज़माने में लड़कियां सब लाहौर कॉलेज जाती थी, लेकिन एफ ए से ऊपर कोई नहीं गया, ठीक है। तो नेक्स्ट जनरेशन में मेरे से पहले भी काफ़ी लड़कियाँ थीं। मैं अपने ददयाल की बात कर रही हूँ, मेरे मामू के बच्चे की जो बेटी है माशाल्लाह, शी इज़ फॉरेन क्वालिफाइड, लेकिन मैं अपने ददयाल की बात कर रही हूँ। उसमें मेरे से पहले कोई लड़की ना पिछली जनरेशन में ना इस जनरेशन में यूनिवर्सिटी तक गई थी। सो बेसिकली दैट वाज बेसिकली द डिसीजन ऑफ माय मदर कि नहीं, तालीम ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, शऊर ज़रूरी है। शी टुक स्टैंड, बट उस स्टैंड को साथ में आप कह लो के साथ सपोर्ट करने वाला भी कोई होना चाहिए, हाँ। तो वो साथ मेरे फादर ने किया। तो एम्पावरमेंट के लिए उस वक्त, जिस वक्त IT को कोई नहीं जानता था, 2000 में मैंने जब ये डिसीजन किया कि आई डोंट वांट टू बी अ डॉक्टर और मुझे ICS ही करना है मैथ्स, फिजिक्स और कंप्यूटर में, तो ये मेरे बेसिकली पेरेंट्स का डिसीजन था जिन्होंने इंडोर्स्ड किया। अदरवाइज वो कहते क्यों भाई, लड़की हो, बनो डॉक्टर, इंजीनियर। एम्पावरमेंट सबसे पहले घर से मिलती है, घर से मिलती है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। हाँ, अगर आप नेट पे सर्च करती हैं कि व्हाट इज एआई, तो वो आपको बड़ी मुश्किल डेफिनेशन दे देगा कि एल्गोरिदम है, मशीन लर्निंग है, आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, आप प्रॉम्प्ट्स देते हो, जो कि वो टर्म्स हैं जिसके साथ आप अवेयर नहीं, बिल्कुल, और आप रिलेट ही नहीं करते, आप रिलेट ही नहीं करते। तो बजाय इसके कि अगर आपने उसको यूज करना है फॉर योर अर्निंग, फॉर योर अवेयरनेस, फॉर योर, यू वांट टू ऑप्ट इट एज योर फ्यूचर, तो फिर आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है जो कि आपको बेसिकली उसकी बड़ी कॉम्पैक्ट डेफिनेशन देते हुए आपको उसके यूजेस पे ले जाए। अच्छा हमना, मुझे आपसे ये पूछना है कि आपने अभी कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की, तो आप देखें जिस जनरेशन से हम लोग हैं, मिलेनियल्स, लेकिन अभी जो जेन जी है, मुझे आप ये बताएंगे जेन जी को जो कम्युनिकेशन का इतना मसला क्यों? बहुत ज़्यादा मसला है इसलिए कि कुछ चीज़ों में आप समझें। नंबर 1, ये आपके पास वो वाली जनरेशन है जो कि असाबी तौर पर सबसे कमज़ोर जनरेशन है। सही बात है, बिल्कुल। अगर मैं अपनी जनरेशन की बात करूं, हम 80s के लोग हैं, ठीक है, 80s के लोग, मैं अपनी जनरेशन की बात करती हूँ। नहीं जी, मेरी भी है 80s की है, आपकी भी है, क्योंकि मैंने से लिया, मैंने कहा माइंड भी आप मेरे से यंगर भी हो सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो 80s के लोग, ये रिसर्च से प्रूव है कि ये वो लोग हैं आपके 60s से 80s के दरमियान जो पैदा हुए हैं, 60s से 80s एंड 80s तक जो लोग पैदा हुए हैं, ये वो लोग हैं जो कि असाबी तौर पर सबसे ज़्यादा मजबूत लोग हैं, ये कोलैप्स नहीं करते। अब ये देखें, अब ये जनरेशन क्या है, इस जनरेशन की सबसे पहले तो हम एक बड़ी बात करते हैं, इसके बाद मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन में दोबारा अगली भी है, मैं वहाँ भी बात करती हूँ कि आपकी जो फूड चॉइसेस होती हैं ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे और आपकी इमोशंस डेवलपमेंट में। अब ये जनरेशन अगर देखा जाए तो ये सारी की सारी आपकी फास्ट फूड जनरेशन है। हमारे जमाने में फास्ट फूड था, हमने भी खाया, पिज्जा भी था, जलाल सब कुछ था। आई स्टिल रिमेम्बर हम छोटे थे कि हम अपने फादर के साथ जाके वहीं से चीजें लाते थे और बेक भी किया करते थे। और यकीन करें हमना के हम लोग 90s के बच्चे हैं, लेकिन हमें बहुत बातें सुननी पड़ी है फास्ट फूड की वजह से, है ना। लेकिन अब तो कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो घर का खाना खाता। हाँ, तो सबसे पहले ये चीज आपको जो आपके बेसिकली असाब को एक ताकत प्रोवाइड करनी है ना, वो आपकी अनाज में करनी है, वो आपके गंदम में करनी है, वो आप छोड़ दोगे। दूसरी चीज ये बच्चे जब से अगर आप देखें तो ये रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी में रहे हैं खासकर। और फिर रही सही कसर कोविड ने पूरी कर दी, जब ऑनलाइन चली गई आपकी कोविड में, उससे आपके पास नुकसान क्या हुआ, इनका बेसिकली कम्युनिकेशन निकल गया। अगर मैं अपनी पर्सनालिटी ट्रेट की बात करूं तो बाय नेचर मैं भी, मेरी पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट है, मैं अपनी मर्जी के लोगों से मिलना पसंद करती हूं, लेकिन काम के लिए मुझे मिलना पड़ता है। लेकिन व्हेनेवर आई हैव स्किल्स, अब इनमें क्या है, इन बच्चों में एक सबसे पहले इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं है। इनको ये नहीं पता कोई बड़ा है कोई छोटा है, आपने उसके साथ बात कैसे करनी है, उसके साथ आप ये हर चीज़ को लॉजिक पे लेके चलते हैं और आर्ग्यू करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें ज़िंदगी में गिव अप भी करनी पड़ती हैं। देन आप इन लोगों की राइटिंग देखोगे, यस thanks to Chat GPT, thanks to Quill Board and many other tools, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा सा लिख लेते हैं, अच्छे ये लिख लेते हैं, but they are not able to express। अब एक्सप्रेशन के लिए आपकी जो स्पीच होती है उसके लिए आपको इंटोनेशन की ज़रूरत है, फ्लुएंसी की ज़रूरत है, प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, ये आपकी आवाज़ के उतार चढ़ाव हैं, इनको वो नहीं पता। लिख भी लेंगे, चैट जीपीटी गूगल की मदद से लेके आ जाते हैं, लेकिन एक्चुअल जो ब्यूटी होती है पंक्चुएशन की वो मिस कर देते हैं। सही बात है। तो बेसिकली आपके एआई ने आपको चीज़ें आसान कर दी हैं, लेकिन अगेन ये एआई है, मस्नूई जहानत, इंसान एमआई है, मल्टीपल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट स्किल में हर कोर्स के साथ सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस मैंडेटरी हैं, आप करवा रहे हैं। लेकिन कितने लोग हैं कि who are willing to pay and learn, जब वो कहते हैं कि चीजें यूट्यूब पे हमें फ्री में मिल जाती हैं। सही बात है। अच्छा, तो उसके लिए एक सजेशन है मेरा यूनिवर्सिटीज को कि वो भी अपना कोई इस तरह का प्रोग्राम लॉन्च करें जो कि उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट या इंडस्ट्री में बच्चों को भेजने से पहले का एक हो। पंजाब यूनिवर्सिटी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ये करते हैं और उनके साथ में लिंक्ड भी रही हुई हूँ, सो जिसमें आपको उनको रिज्यूमे राइटिंग, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ द रिज्यूमे बताएं। सब कुछ इंटरनेट से नहीं मिलता, बिल्कुल एआई दे देगी। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आपने लिख लिया है कि मेरी हॉबी में स्विमिंग है, और अगर मेरे जैसा आगे कोई एम्प्लॉयर बैठा हुआ है और बारिश में आप ना आए तो मैंने कह देना है कि आप तो कोई हॉबी स्विमिंग थी। और सबसे बड़ी बात है, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि सीवी में हॉबीज का तुक गया। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आती, आप ये क्यों बताते हो कि आई एम मैरिड या अनमैरिड। ठीक है, आपका जब पूछा जाएगा सिलेक्शन के आईडी कार्ड नंबर, मोहल्ला नंबर, मकान नंबर, आपको ये चीजें मेंशन करने की जरूरत नहीं है। व्हाट वी ऑल नीड इज योर नेम, your working WhatsApp number, professional picture, and your working email address with your name, जो कि प्रोफेशनल हो। ऐसा ना हो आई एम कूल एंड आई एम डिजाइन फ्ला फ्ला फ्ला, पापा की परी इसके साथ ही हमना आपका बहुत शुक्रिया, जानने का मुझे बहुत मजा आया। एंड दैट वाज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव इंटरव्यू तो नहीं कह सकते, कन्वर्सेशन थी ये बड़ी मजे की, और हमने बहुत कुछ सीखा हमना से। इंशाल्लाह हमना को फिर से ज़रूर हम बुलाएंगे नेक्स्ट स्किल में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।